नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमदादुल हक, स्वागत करता हूँ आप सबको इमदादुल ब्लॉग्स पे। भाई आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है, मालूम है मुझे, लेकिन आज का जो प्लान है ना, फिलहाल मैं जा रहा हूँ बिहार एक दोस्त के साथ। वो एक एग्ज़ाम दे रहा है जो बिहार टीचर रिक्वायरमेंट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो फिलहाल हम बर्दवान स्टेशन आए हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे जो रात में है। तो बस ये नज़ारा और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये चंद्रयान 3 जो आज लॉन्च हुआ, तो उसी चीज़ का वीडियो है जो विजुअल दिखा रहा है। हम तो कोशिश कर रहे थे वो देखने के लिए, लेकिन भाई साहब वीडियो में तो सिर्फ मोदी जी को ही दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, ये देखो आप टाइम 10:23। हम लोग का ट्रेन है S8 में, मतलब सीट है, और हम यहाँ पे खड़े हैं। भाई यहाँ पे खड़ा है, ये देखो पानी का बोतल लेके, ये देखो S8। भाई ट्रेन खाली है रे। हम लोग सोच रहे थे कि बिहार जा रहे हैं तो पूरा ट्रेन भीड़ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेन खाली देख के भाई हम तो हो गए खुश। आप बिहार जा रहे हो और ट्रेन खाली है, मतलब भाई साहब आप काफ़ी लकी हो। लेकिन भाई वहाँ जाके देखा मेरे सीट पे कोई दूसरा सो रहा है, तो हम जल्दी से उनको उठाए कि भैया हमारा सीट है, अब दे दो। 6 घंटा बिताने के बाद फाइनली हम पहुँच गए बिहार, और भाई काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था और हमें मिल गए गर्म गर्म कचौड़ी। भाई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। कचौरी खाने के बाद हम ऑटो लेकर निकल गए एग्ज़ाम सेंटर, जो स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। भाई ट्रेन में हम पहुँचे लगभग सुबह 6 बजे और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था लगभग 9 से 10 बजे तक। हमारा प्लान था कि स्टेशन से उतरने के बाद ही हम होटल लेंगे, उस वहाँ पर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद वो एग्ज़ाम देने जाएगा। लेकिन टाइम कम होने के कारण हम डायरेक्ट निकल गए एग्ज़ाम देने, और उसके बाद क्या हुआ वो आप देखो यार। यहाँ पे भी हम लोग आए रूम के लिए, लेकिन हमें नहीं मिला। यहाँ पे कुछ लड़के आपको दिखाए होंगे, ये भी रूम ढूंढ रहा है, इनको भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान है, किसी को रूम नहीं मिल रहा है। ये देखो यहाँ से आप दिखेगा आपको बंदे लोग, काफ़ी लोग निकल रहे हैं। हाँ, कहीं पे भी रूम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मतलब अगर कुछ कुछ जगह पे हमें मिल रहा है हॉल टाइप का, लेकिन वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। मतलब ये छोटा सा जगह पे आपका बहुत आदमी रह रहा है, तो इतना खास अच्छा मिला नहीं। तो अभी हम लोग का कोई उपाय नहीं मिल रहा है कहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, कोशिश में लगे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पूरा शहर घूमने के बाद जब हमें होटल नहीं मिला, तो हम चले गए स्टेशन, और स्टेशन का हाल आप ये देखो भाई, हर जगह पे लोग हैं, लोगों को होटल नहीं मिल रहे हैं रहने के लिए। होटल तो भाई हमें नहीं मिला, तो हम रह गए स्टेशन पे, और ये कुछ खाना लेके आए थे भाई रात में खाने के लिए, टेस्ट सच में बता रहे हैं भाई बेकार था ये। आप शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि जब हम सुबह एग्ज़ाम दे दिए हैं तो हम होटल क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई एग्ज़ाम 2 दिन है, मतलब आज और फिर कल, तो हमें रात में होटल पर रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम देने के बाद भाई हम जल्दी निकल गए स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें डायरेक्ट जिस स्टेशन पे हम हैं अनुग्रह नारायण रोड, वहाँ से हमें डायरेक्ट हावड़ा के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा था। तो हम थोड़ा कट के आ रहे थे कि हम गया स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे पूरा दिन बिताएंगे, फिर रात में गया से हम ट्रेन टिकट बुक किए, जो हमें कंफर्मेशन मिला। फिलहाल हम हैं गया स्टेशन में, और यहाँ है हमारा तिरंगा। अभी थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद कुछ खाना वाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का टाइम है, अभी तक लंच किए नहीं है, तो बस मिलते हैं फिर। भाई साहब आज इच्छा था कि अच्छा जगह पे कुछ अच्छा खाना खाएंगे, 2 किलोमीटर स्टेशन के बाहर घूमे भाई, कहीं पे भी बिरयानी का दुकान नहीं मिला। तो हम 2-3 होटल भी घूमे, तो वहाँ पे बता रहा है कि आपको नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा, इवन एक तक नहीं है भाई, तो कैसे भी करके ये खाना खाना पड़ा। स्टेशन पे है, स्टेशन का बाहर का नज़ारा देखो, ये देखो पहाड़, काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये है स्टेशन। लेकिन अभी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारा शरीर में एनर्जी नहीं है कि हम कहीं घूमने जाए, और ट्रेन रात में है तो बस कहीं नहीं जाएंगे, बस स्टेशन पे रहेंगे। अभी वेटिंग रूम पे हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे ट्रेन रात 2 बजे है। और भाई साहब अगर आप बिहार आए हो और लिट्टी चोखा नहीं खाए, तो आप बिहार क्यों आए? ये इच्छा तो था कि बिहार जाके लिट्टी चोखा खाएंगे, लेकिन भाई उतना खास लिट्टी चोखा मिला नहीं। लद्दाख ट्रिप पे जब मैंने लिट्टी चोखा खाया था झारखंड पे, भाई इससे ज़्यादा वो वाला ज़्यादा टेस्ट था। तो सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा बिहार, तो थोड़ा बढ़िया वाला टेस्ट करूँगा। इसी के साथ बिहार को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, यानी अपने घर की ओर। इस बार अच्छे से वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन फिर जब बिहार आएंगे उस बार अच्छे से वीडियो बना के पूरा एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, कृपया करके उसे फॉलो करें।